बिलासपुर में कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर अब लोगों की जांच पर पड़ रहा है। बढ़ते मामलों के बीच आरटीपीसीआर सैंपल की पेंडेंसी बढ़ रही है और मरीज परेशान हो रहे हैं। सिम्स के वायरोलॉजी लैब पर भी जांच का दबाव बढ़ रहा है। आरटीपीसीआर जांच की पेंडेंसी करीब 4000 के पार हो गई है। कई जिलों की लैब्स का भी यही हाल है। उन लैब्स के सैंपल भी जाँच के लिए सिम्स पहुँच रहे हैं। रोजाना कुल 1000 से ज्यादा सैंपल जाँच के लिए आते हैं, लेकिन सिर्फ 400 से 500 सैंपल की ही जांच हो पाती है। आपको बता दें कि मरीजों की रिपोर्ट आने में 7 से 8 दिन का समय लगता है। सिम्स प्रबंधन का कहना है कि वायरोलॉजी लैब में पूरी क्षमता के साथ जांच की जा रही है। ज्यादा संख्या में सैंपल आने से पेंडेंसी बढ़ गई है, लेकिन काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आरटीपीसीआर हमारे वायरोलॉजी लैब सिम्स में होती है और हमारा सिम्स 4 जिलों को केटर करता है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, बलौदा बाज़ार और जांजगीर चांपा, तो चारों जगह से आता है। सरकार ने टू नॉट लैब्स तो सभी जगह ऑलमोस्ट खोल दिए है, वायरोलॉजी लैब अभी लिमिटेड ही हैं। पहले जैसे 4000 के आसपास थी, आज 2500 है। लोग बीमार भी हो रहे तो ठीक भी होके आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी सब रेगुलर हो जाएगा। और केस कुछ तो 19-20 कमी है, ज़्यादा तो बढ़े नहीं अभी, तो आई होप कि पेंडिंग रिपोर्ट्स नहीं रहेगी 1-2 दिन में, 3 दिन में।